नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। अटल जी ने सदन के भीतर कहा था, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में ठीक यही हुआ है, लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है और गन वाले तंत्र की यानी बंदूक वाले तंत्र की, गणतंत्र और उसके पैरोकारों की मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। टीडीसी चुनाव में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो चुनाव का बहिष्कार करे और आज नतीजे सामने हैं। बीजेपी के लिए खुश होने का मौका है क्योंकि कश्मीर घाटी में कमल खिल गया है। हालांकि नंबर वन पार्टी बनने के लिए बीजेपी और फारूक अब्दुल्ला के बीच कांटे की टक्कर है और फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी को मात देने के लिए 7 पार्टियां एक साथ आई, उन्हें हाथ मिलाना पड़ा। पूरा चुनाव करीब करीब बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया था। इसके बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस जनादेश का संदेश क्या है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गणतंत्र पर भारी, लोकतंत्र आज का आर पार इसी पर। और मेरे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी जुड़ेंगे आज के आर पार में, लोकतंत्र की जीत का जश्न। जो हमारा कैंडिडेट था एनसी की तरफ से था कैसर अहमद गनाई, इन्होंने जीत हासिल की है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में डेवलपमेंट बहुत होगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलरिटी दर्शाती है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के नतीजों की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है और इन नतीजों का सबसे बड़ा संदेश यह है कि गन वाले तंत्र पर लोकतंत्र बहुत भारी पड़ा है। न तो कोई चुनाव का बहिष्कार करने की हिम्मत जुटा पाया और न ही कोई बड़ी वारदात हुई। रहा सवाल नतीजों का, तो अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद का यह चुनाव करीब करीब बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया था। इसके बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कांटे की टक्कर है। कश्मीर वैली में भी कमल खिल गया है, इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद ये पहला चुनाव है, लिहाजा इस चुनाव पर सबकी नजर है। गठबंधन के तौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 7 दलों का गुपकार मोर्चा सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर उभरा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव का जनादेश क्या संदेश दे रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गणतंत्र पर भारी, लोकतंत्र। और जम्मू कश्मीर के जनादेश का विश्लेषण सुनिए। बुलेट वाले आतंकी तंत्र पर भारी पड़ा बैलेट का दम यानी वोट का दम। बीजेपी के खिलाफ 7 पार्टियों को एकजुट होना पड़ा। कई दलों के साथ आने के बावजूद बीजेपी कश्मीर में जीती। सबसे बड़ी पार्टी के लिए बीजेपी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांटे की टक्कर है। सोचिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ है और गुपकार में 7 दल एक साथ है। कांग्रेस का भी साइलेंट समर्थन है। सबसे बड़ी पार्टी के लिए टक्कर जारी है। विधानसभा से पहले डीडीसी चुनाव सेमीफाइनल की तरह है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जाने माने कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं नजमू साकिब। मेरे साथ सलमान निजामी हैं।
कांग्रेस के नेता मेरे साथ हसनैन मसूदी हैं, सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इफ्तिखार मिसगर साहब है राजनीतिक विश्लेषक। मैं सबसे पहले सुशील पंडित आपसे शुरुआत करता हूं और सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, ये गणतंत्र पर भारी देश का लोकतंत्र है। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कुछ पंक्तियों से करी कि अटल जी ने कहा था सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या आपको लग रहा है देश का लोकतंत्र जीता है आज? अमीश जी, लोकतंत्र जीतता आया है इस देश में, इस देश के मिजाज में लोकतंत्र है, इस देश की रग रग में लोकतंत्र है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधि घर बैठे जिहाद द्वारा मार दिए जाते हैं, जब लोकतंत्र द्वारा चुने गए सरपंच विधायक उनके क्षेत्रों में काम करने कार्यकर्ता निहत्थे कार्यकर्ता अकेलेपन कोने में घात लगाकर मार दिए जाते हैं जी, और लोकतंत्र द्वारा चुने गए मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को संगीनों के साए में घूमना पड़ता है, सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र जाना मुनासिब नहीं हो पाता और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाड़ों में बंद करके रखा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र पर जिहाद चुनावों से पहले, चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद हावी रहता है। उसका एकमात्र कारण यह है क्योंकि संसद में घोषणाएं करने के बाद, राष्ट्रपति महोदय द्वारा कागजों पर हस्ताक्षर करने के बाद भी कश्मीर घाटी में जिहाद के कसे हुए शिकंजे को ढीला करना, उसका जबड़ा उखाड़ना, इस काम को धरातल पर क्रियान्वित करने में पता नहीं क्यों लोग शर्माते हैं, दिल जीतने में लगे हुए हैं जिहाद का। यह जिद है कि हम जिहादियों से भारत माता की जय बुलवाएंगे, उनके हाथ में तिरंगा थमवाएंगे और तब अपने कार्यकर्ताओं की, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की आहुतियां देते रहेंगे और जिहाद के साथ आंख मिचौनी करने वाले दलों को अपने लोकतंत्र का दुरुपयोग करने देंगे। ये वही गुपकार गैंग है जो दिल्ली में कभी रामधुन गाता है, कभी भारत माता की जय बोलता है और कभी कश्मीर में पाकिस्तान के साथ बात करने की हिमायत करता है, चीन की पैरवी करता है। अरे और तो और, तिरंगे को कोई नहीं उठाएगा, उसकी धमकी देता है, ये वही गुपकार गैंग है मेरे जी साथ। हाँ, जी जी, झुलस जाएगा वो हाथ जो 370 को हाथ लगाएगा, वो सर्वोच्च न्यायालय को धमकी देता है, वो हमारे संसद के उपहास उड़ाता है कि आपने कैसे हाथ लगा दिया। जी पंडित साहब, हमें लोकतंत्र को अगर बचाना है तो जिहाद का जबड़ा उखाड़ना पड़ेगा। जी, मैं सीधा रुख करता हूं नजमू साकिब साहब का। नजमू साकिब, मेरा बहुत सीधा और डायरेक्ट सवाल है आपसे। सुशील पंडित कह रहे हैं जिहाद का जबड़ा उखड़ा है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र विजय हुआ है और सात दल एक साथ मिलकर गुपकार गैंग बनाते हैं, गुपकार अलायंस बनाते हैं, जिसको अमित शाह ने ट्वीट में गुपकार गैंग कहा था, और उसके बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के साथ मशक्कत करनी पड़ रही है, बीजेपी सबसे बड़ा दल बन के उभर रही है, इसके मायने क्या है? गणतंत्र की हार, लोकतंत्र की जीत, भारत माता की जय। सवाल है मेरा, आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, इनका अलायंस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ था, इनका अलायंस विजिलेंस कमीशन के साथ था, NIA के साथ था, CBI के साथ था, मीडिया के साथ, आप जैसे जो फ्रेटर्निटी में बहुत सारे लोग थे, इनका अलायंस मसल पावर के साथ था, मनी पावर के साथ था। हमारा अलायंस एक छोटा सा हिस्सा था इनके सामने, तो सात पार्टी आपको छोटी लग रही है। शिकस्त खोर्दा लोग है, एक्सेप्ट करे ग्रेसफुली अपनी डिफीट। जम्मू में जो आज ये जो पूरे मुल्क में ढिंडोरा पीटते थे कि जम्मू के लोग हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर के लोग खुश है, आज पूछिए इनको जम्मू ने आप कैसा जवाब दिया? करारा तमाचा जो आपके मुंह में मारा है, क्या उसकी गूंज उनको सुनाई दे रही है कि अभी भी ये सोए हुए? दूसरी चीज, इन्होंने जो फेक नैरेटिव मुल्क में चलाया था, जी इनकी जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, इनके साथ कोई नहीं है, कोई कांधा देने वाला नहीं, कोई रोने वाला नहीं, आज ये क्या बोल रहे हैं? अब ये सीटें कहाँ से आटप?
आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की, इससे पहले मैं आपके शो पे था, शायद वहां पे सुधाशी जी थी, बड़े गीत गा रहे थे, बोले थे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर बीजेपी ही नहीं करवाए, इसका भी श्रेय आपको जी 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 इलेक्शन कमीशन ने करवाए, उसका श्रेय नहीं वो बीजेपी नहीं करवाए। ठीक है साकिब, साकिब नजमू मैं आपके पास वापस आता हूँ, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी सांसद मेरे साथ है। सुधांशु, अभी आपने पीडीपी के नुमाइंदे को सुना, उन्होंने बोला आपका अलायंस तो, उन्होंने तो मीडिया का भी आरोप लगा दिया, उन्होंने बोला ईडी के साथ था, सीबीआई के साथ था, सबके साथ था, हमारा तो छोटा सा अलायंस था। देखिए जब से भारत स्वतंत्र हुआ है आपने कभी सुना कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हो गए? अरे कभी कांग्रेस के जमाने में एक नहीं हुई जब कांग्रेस का जलवायु जलाल चलता था। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, मैं दो में से एक बात कहूंगा, या तो आप ये मान लीजिए, यदि आप ये मानते हैं कि आपको बढ़त मिली है तो जमहूरियत में हिंदुस्तान के एतबार का एहतराम करिए और यहां पे ऐलान करिए कि अब कहीं जाकर आप ये नहीं कहेंगे कि जमहूरियत को लेकर कोहराम नहीं मचाएंगे। दूसरी बात आप देख लीजिए, अरे एक जमाना था, आप क्या बात कर रहे हैं, लोगों के रिजल्ट बदल दिए जाते थे, लोग निर्विरोध चुन के आ जाते थे विधानसभा चुनावों में। निर्विरोध चुन के आने का मतलब क्या है अमीश जी, आप और आपके सारे समझदार दर्शक समझते होंगे। राजीव गांधी जी के जमाने में क्या क्या बातें चर्चा में आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने के लिए किस किस जंग से 87-88 में जिसको रिगिंग कहते हैं वो किया गया। आज अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, मगर ग्रास रूट लेवल, एकदम जमीनी लेवल के ऊपर जनता ने सहभागिता की, यह लोकतंत्र की जड़ों तक मजबूत होने का प्रमाण है। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मील का पत्थर है। बताइए वो पार्टियां जो कहती थी कि 370 हटने के बाद तो हमें जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्ट्रक्चर में यकीन नहीं है, उन्होंने इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव लड़ लिए। साहब जो लोग कहते थे चीफ मिनिस्टर का पद पर्याप्त नहीं है, प्री 1953 होना चाहिए, सदर रियासत यानी प्राइम मिनिस्टर का पद होना चाहिए, आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं। यानी जो सीएम से पीएम की बात करते थे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं। जिसे कहावत है कि चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दुबे बनके। और अभी जो इन्होंने गीत की बात की, मैं गीत रिपीट कर देता हूं, जानते हैं 370 को लेकर, जो 370 की व्यवस्था के अंतर्गत यूनियन टेरिटरी रहते हुए चुनाव लड़ा है गुपकार एलायंस ने, वो तो स्वीकारोक्ति हो गई संवैधानिक व्यवस्था की। तो वो गीत मैं दोबारा कह देना चाहता हूं कि जो जम्मू काश्मीर में 370 गुप्कार एलायंस के बीच का संबंध है वो एक पंक्ति में पुराना गीत था कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। तो ये 370 की स्वीकारोक्ति है, ये गुप्कार एलायंस की सभी छह पार्टियों द्वारा, ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज। हसनैन मसूदी मेरे साथ है, सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अभी आपने मसूदी साहब, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को उन्होंने क्या बोला, उन्होंने गीत के जरिए बोला कि नाना करते प्यार हमी से कर बैठे। जिस 370 को का आप विरोध करते थे, जिस 370 पे आप कहते थे ये हट जाएगा तो वो हाथ कट जाएंगे, कोई भारत माता की जय कहने वाला नहीं बचेगा, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, लेकिन आज उसी 370 हटने के बाद आपने डीडीसीए चुनाव भी लड़े। देखिए बात यह है कि ये जो और बीजेपी टक्कर दे रही है आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में, अब देखिए ना ये त्रिवेदी साहब का गुस्सा ये तो समझ में आता है, वो तो प्यार से बोल रहे हैं। मैंने कहा ये चाहते थे कि शायद ये चाहते थे कि इलेक्शन में कोई हिस्सा ना ले, वो ये सुई पर ले और सारे मुल्क को कहे देखिए जी हमने इलेक्शन जीत लिया, जो हमने इनको उसमें जो हमने रुकावट पैदा की ये उसी पर उनका गुस्सा है, कोई बात नहीं। ये गाना सुनाकर गुस्सा अपना जाहिर करें या प्यार से करें या कैसे करें वो अलग बात है। अब देखिए, अब फैसला देखिए, इस वक्त भी इनके सारे जो पहले देखिए, जो ये आज के परिणाम आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट्स आप पहले देखिए, क्या क्या मुश्किलें हमारे लिए खड़ी की गई। रोलर कोस्टर प्रोग्राम दिया गया इलेक्शन का, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया गया, कोई कंपेन नहीं हुई, उसके बावजूद भी लोगों ने अपना फैसला सादिर किया। और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपुल्स अलायंस का हिस्सा होते हुए सबसे बड़ी पार्टी है जम्मू और कश्मीर दोनों में, 72 सीटें इस वक्त की एज ऑन टाइम सुधांशु त्रिवेदी, आपको गुस्सा आ रहा है इसीलिए आप गाना गा रहे हैं? ये बिल्कुल ये गाना गाएंगे गुस्से में। आप देखिए यहाँ आकर इन्होंने कैंप किया, खेमा जन हो गए कैंप में, रह गई आदि कैबिनेट श्रीनगर में,
किसी ने कहा कि दफनाया गया, किसी ने कहा, किसी ने डेवलपमेंट का नाम नहीं लिया। वो जो भी इनके लीडर थे सब सब ने 35A पर और 370 पर बात की। अब देखिए उसके बावजूद भी लोगों ने अपना फैसला दे दिया अपने तरीके से और कहा इनको कि आपके जो 5 अगस्त के फैसले थे वो मुल्क के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, और जो कुछ आपको वो लगाने के लिए आपको नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई ना, वो तो नई व्यवस्था में आपने चुनाव लड़ लिया तो वो तो अब वो तो कहानी खत्म हो गई। वो तो रागल आपने बंद करिए, 370 का रागल आपने तो बंद करिए। ये पुरानी कहानियां सुना रहे हैं, मेरी बात आप देखिए ना। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी आप गुस्से में इतने गाना गा रहे हैं, आप देखिए इस वक्त ये पीछे चल रहे हैं ये सारे नेगेटिव प्रोपेगेंडा को करते हुए। पहले रोशनी का सहारा ले लिया, फिर खुद ही उसको उसके लिए रिव्यू कर दिया, पीछे हट गए जब देखा कि हम खुद ही इस दलदल में फंस रहे हैं, और उसके बाद देखिए क्या हुआ, कैसे लोगों ने। ठीक है, अब जवाब सुन लेते ना, आप भी सांसद हैं, वो भी सांसद है, तो जवाब कश्मीर में अब बहस में दूसरे को भी मौका देना चाहिए। आपने अपनी बात को रखा, फैसला सादर किया। अरे जनाब आप, अब मैं इस बात को, आपको गाने में भी गुस्सा नजर आ रहा है, अरे आप सोचिए हमें इस बात पे गुस्सा आएगा। जब ये कहा था महबूबा मुफ्ती ने कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपने देखा तमाम रैलियों में अनुराग ठाकुर जी और शहनवाज हुसैन जी की रैली में तिरंगा ही नहीं, भारत माता की जय के नारे भी लगे कश्मीर घाटी में। बताइए जो कहती थी वो कश्मीर का तथाकथित झंडा जो इतिहास का पात्र हो गया, उसको तो कभी हमने देखा नहीं था किसी आंदोलन में। पाकिस्तान और ISIS के झंडे दिखते थे, बंद हो गया, तिरंगा झंडा लहरा रहा है, ये सारी चीज हो रही है। और कश्मीर तो बड़ा यूनिक चीज है, जनाब इससे पहले कश्मीर के मामले को इंटरनेशनलाइज किया जाता था, और जब कश्मीर का मुद्दा होता था USSR के अलावा कोई हमारे साथ नहीं होता था, बाकी पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। आज चाइना के अलावा कोई पाकिस्तान के साथ नहीं, सब हमारे साथ। OIC में कुछ नहीं कर पाए, यूनाइटेड नेशंस में कुछ नहीं कर पाए, तो यूनाइटेड नेशन और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से लेके डिस्ट्रिक्ट की के अंदर, गांव के अंदर की गली तक आज ये बात एक्सेप्ट हो गई कि 2-370 हटाने का निर्णय था, पूरी जनता उनके साथ है। अब इसके बाद भी अगर आपको नहीं नजर आए तो मैं कहूंगा नजारा वही होता है जो नजरें देखना चाहती हैं, अदरवाइज नजारा कुछ भी दिखाइए आपकी नजर ही नहीं देखना चाहती, तो उसके लिए हम क्या करें। और मैं एक देखिए आप आजाद है कैसे आप इंटरप्रेट करें, देखिए जश्न मनाइए 4 सीटों पर, वो आपकी आजादी है, मनाइए कोई बात नहीं, 30 मिनिस्टर लगा के 4 सीटें। अरे मसूदी साहब क्या हो गया, 71 है, 4 कहां है, 71 है। एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी 72 है, इनकी 71 है, आपके अनुसार ही, आपके अनुसार ही, कश्मीर के आपके अनुसार ही, हमारे अनुसार आपकी 70 है, देखिए जी कश्मीर हमारे अनुसार आपकी 70 है, कि आपके अनुसार आपकी 72 है, इनकी 71 है। सर कश्मीर की 2-3 सीटों पर ये जश्न मना रहे हैं ना, उसका मतलब है ये एतराफ करते हैं कश्मीर में इनके पास कुछ था ही नहीं, और 5 अगस्त के फैसलों के साथ था ही नहीं कश्मीर में, ये तो मान लिया है। जो आपने बात तो जो जश्न मना रहे हैं ना, जो देखिए 10 मिनिस्टर यहाँ पर बिठा के 1 महीने अगर ये 3 सीटों पर जश्न मनाए तो इनकी ये आजाद है, हमें हम थोड़ी उनको रोक सकते। कश्मीर में नहीं, ये ना इंसाफी क्यों कर रहे हैं हम, ये हम ना इंसाफी क्यों कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्या जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है, क्या कश्मीर जम्मू का पार्ट नहीं है, क्या जम्मू देश का हिस्सा नहीं है अमीश, तो जम्मू कश्मीर में जो जीत होगी उसको उसकी सीटें नहीं मानी जाएगी, सीटें कश्मीर की मानी जाएंगी, ये क्या मान सकते हैं। ये खुद कह रहे कि पहली बार एक कमल खिला, अब ये खुद ही कमल ना देखिए, खुद ही कह रहे हैं कोई सीट आप पहली बार जीतो तो उसका वो पॉइंट होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 3 सीटें 3 सीटें, यानी जम्मू की सीटों को आप सीटें नहीं मानते, जम्मू के लोगों को आप जम्मू कश्मीर का बाशिंदा ही नहीं मानते, आपकी एक आंख बंद है और दूसरी आंख खुली रहती है। जम्मू के लोगों ने तो नेशनल आपको सिर्फ एक ही जगह दिखती है, देखिए जम्मू के जो डुकार अलायंस है उसका साथ जम्मू आपको कश्मीर में, फिर गुज्जर बकरवाल क्यों नहीं दिखते, कश्मीरी पंडित तो नहीं दिखे, गुज्जर बकरवाल क्यों नहीं दिखे कश्मीर के अंदर, देखिए 115 के जो पार किए गए कश्मीरी पंडितों को तो निस्तराबूत करके भेज दिया गया अपने घरों से। जनाब ये खुद ही कह रहे हैं ना कि ये पहला कमल खिला, तो अगर इसी पर 20 मिनिस्टर यहां बिठा के सुधांशु 30 सेकंड सुधांशु 30 सेकंड रिप्लाई, देखिए ये हमारी 3 सीटें तब आई जब सब मिलके एक साथ खड़े थे, इसके बावजूद 3 सीटें आई तो ये मोदी जी की लोकप्रियता और भाजपा की स्वीकार्यता दोनों को बात समझ लीजिए। और रही बात इसकी जो आपने कहा कि 370 वापस आने वाली बात, जरा वो दफन हो गई, मर्सिया पढ़ दिया गया, उसमें से जिन्नी निकल सकता है, जिंदा आदमी नहीं निकल सकता। मैं आपको एक पंक्ति और कह देता हूँ, अब वो गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आने वाला, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, खुदा तुम्हारा, मगर ये बता दीजिए जरा ये गुपकार
का हाफिज कौन है? आपने कहा एनसी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती? देखिए बताइए आपका हाफिज मुहाफिज कौन बनने वाला है? आप देखिए ना, जरा आप बता दीजिए। सुधांशु जी बात सुनिए ना, जब गुजरा हुआ जमाना फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में आ जाएगा नागालैंड में, बोडोलैंड में 2020 में आ जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में क्यों गुजरा हो गया? सलमान निजामी को मैं लेकर आता हूं। फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर आप फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर नेगोशिएट कर रहे हैं, आपने बोडो टेरिटरी 10,000 किलोमीटर की दी है, जो वहां पर गुजरा जमाना नहीं हुआ, यहाँ पर निजामी साहब, निजामी साहब आपको तो डबल बधाई, आज आपका जन्मदिवस भी है, आपको उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सलमान निजामी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अमीश भाई। और दूसरी शुभकामनाएं इस बात की कि लोकतंत्र की जीत हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है जो बर्थडे गिफ्ट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया? देखिए बीजेपी की हार हुई है, उससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट क्या होना चाहिए? बीजेपी की मैं नहीं सेलिब्रेट नहीं करना चाहता इसको, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अभी ये बता रहे हैं, अभी क्लेम किया इन्होंने कि हम जी तीन इतना जश्न मना रहे हैं, ये जैसे मेरे एक भाई ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आपने 370 हटाने के बाद में एक दावा किया था कि हम जो है पैकेजेस लाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, अब कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ पूरा जुड़ गया था, मैंने कहा कि ये पाकिस्तान में कब था, तो जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीने में जो हुआ वो आपके सामने है, आप उसे पीछे नहीं हट सकते। और आज जो मैंडेट हुआ बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस हो एनसी हो पीडीपी हो, निजामी साहब कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? कांग्रेस की 23 सीटें हैं। अच्छा, बीजेपी की कितनी है? जम्मू में बीजेपी को जो है टक्कर दी है, बीजेपी जो है 25 सीटें ली थी उन्होंने पिछली बार, आज हालत क्या हुई है उनकी जम्मू में? आप कश्मीर को छोड़िए, कश्मीर में तो है ही नहीं, वो पूरा आधी कैबिनेट जम्मू कश्मीर में आपने बेच दी, अंबानी और अडानी का पैसा लगा दिया, सब सद हथकंडे आपने अपनाए, लेकिन फिर भी फेल हो गए, मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू मिल गया जम्मू कश्मीर की आवाम ने। कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? कितनी सीटें हैं? 22। कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? 22। बीजेपी की सीटें 71। और आप कह रहे बाबा जी का ठुल्लू मिल गया बीजेपी को? नहीं नहीं, ये आपका बाबा जी का ठुल्लू का लॉजिक बड़ा अजीब है। ये कपिल शर्मा के शो से आपने बाबा जी का ठुल्लू तो चुरा लिया, लेकिन सीटें नहीं है आपके पास। ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं है। आप मुझे बताइए, आप गुपकार के साथ थे या नहीं थे? क्योंकि सैफुद्दीन सोज कार्यक्रमों में बोल रहे हैं कि गुपकार और हमारी तो एक ही बात है। नहीं सुनिए, आप लोग गुपकार के साथ थे कि नहीं थे? कांग्रेस ने वहां कंटेस्ट नहीं किया, मैं कह रहा हूं कांग्रेस जहां जहां कमजोर थी कांग्रेस ने वहां कंटेस्ट नहीं किया। हमारा जो मकसद था किस तरीके से बीजेपी और कम्युनल फोर्सेस को जम्मू कश्मीर से हटाया जाए, और हम कामयाब हुए हैं। तो सेक्युलर फोर्स कौन सी है? अपनी सीटों पे गुपकार सेक्युलर फोर्स है, कांग्रेस के अकॉर्डिंग गुपकार सेक्युलर फोर्स है, जो कह रही थी तिरंगा उठाने वाला कंधा किसी को नहीं मिलेगा, यही कहा था ना गुपकार ने? वो तो बीजेपी उसके साथ थी गुपकार अलायंस के साथ, पहले वो गैंग आज बन गई इनके लिए, सुशील पंडित जाती है, ये तो 3 साल उनके साथ। सुशील पंडित, लेट मी गेट सुशील पंडित ऑन स्क्रीन। ओके सुशील पंडित, कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए, सेकुलर ताकतों को जिताने के लिए, यही बात जो सलमान निजामी कह रहे हैं, यही बात सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं जी। इस देश में सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि आप तिरंगे को कंधा नहीं देगा, वो अलायंस सेकुलर होगा, जो भारत माता की जय बोलेगा वो अलायंस कम्युनल होगा। वाह, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता, मैंने तो बोला ही नहीं। तो फिर ये उन लोगों के मुंह से निकल रहा है सेक्युलरिज्म, जिन्होंने घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया, ये वो लोग सेक्युलरिज्म चिल्ला रहे हैं। पंडित वो तेरा, जिन लोगों ने मार मार करके पूरी की पूरी नस्ल कुशी की है, वो ये उन लोगों के मुंह से सेक्युलरिज्म निकल रहा है। स्क्रिप्ट है ना ये अब आप डस्टबिन में डालो, आप जाप कर रहे हैं, जिन लोगों ने रोशनी एक्ट की आड़ लेकर के अब हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ रहेगा, आप रोशनी एक्ट की आड़ में लोगों की इन्होंने सेक्युलरिज्म, वही कश्मीर वाला सेक्युलरिज्म जम्मू लेके जा रहे थे। निजामी साहब आराम, इतना आप हाई बात क्यों नहीं सुशील पंडित को 40 सेकंड और सीबीआई से जांच करवा ली? ये वो वाले सेक्युलर हैं, अब चेंज कर दो, ये चलने वाला नहीं है, कश्मीर से निकल करके अब जम्मू में फैल रहा है आपका ये सेक्युलरिज्म, पूरे देश की नस नस में जहर की तरह फैलाने वाले लोग हैं। देख के ये सच सुनने का माता पालिए, जिगर रखिए, देख देख के लोग सच सुनने का कलेजा रखिए,
भाजपा को आपको चेंज करना चाहिए, कोई नया कश्मीर में हम लोगों ने आपका ये नाटक, हम लोग उसकी जिंदा जावेद मिसाल है। आपको देख देख के लोग बोर हो गए, अब आपके सेक्युलरिज्म का जिंदा जागता स्वरूप है हम लोग, कि कश्मीर में आपका सेक्युलरिज्म क्या था आपको, और जम्मू में सेक्युलरिज्म कैसा चला रहे हैं आप, आपको नौकरी से, रोशनी एक्ट का सेक्युलरिज्म देख लिया हमने, बंद होनी चाहिए अब, हाँ आपकी आपका सेक्युलरिज्म हमने पाकिस्तान और चीन की पैरवी करते हुए देखा है। अरे रोशनी में तो जमात इस्लामी के साथ मिलकर आंख मिचौली, आपने हुर्रियत के साथ मिलकर खुरेजी, और वो सेक्युलरिज्म आपका नाम आया उस वक्त सेक्युलरिज्म आप पे आई, आपका आपके सुशील पंडित अब आप पुराने हो गए। सलमान निजामी, सुशील पंडित एक एक करके बोले, सलमान निजामी सुशील पंडित आपके बाद आपके बीच में नहीं बोले, आप एक एक करके दोनों बोलते रहे ना, आप अपनी बात रखें, अपनी बात रखें, वही मुझे लगता है लोकतांत्रिक ढंग है बात रखने का। बदतमीजी कर कर के आप पुराने हो गए हैं, बीजेपी आपको तनख्वाह नहीं अब देगी, अब आप निकलिए यहां से, ये तरीका नहीं है ना, ये तरीका कैसे हो सकता है किसी से बात करने का। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन पे तो शब्द अच्छे बोले, मेरा निवेदन है बस, बोलिए सुशील जी। जैसी तरबियत है मुझसे वैसा ही निकलेगा, जिस तरह की परवरिश है वैसे ही अल्फाज निकलेंगे, इसमें इनका कसूर नहीं है, इनके उस्तादों और वालदैन को कसूर मत कीजिए, इनकी पता नहीं कैसी परवरिश हमारी अच्छी है, जो नफरत फैलाएगा हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बात अलग रखिए, कश्मीर को बर्बाद करने वो बात अलग रखिए, लेकिन सेक्युलरिज्म की बात कब से करने लगे आप, आपने कश्मीर को हिंदुओं से खाली करा लिया, आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आप रोशनी एक्ट की आड़ में जम्मू के ऊपर जिहाद बोलने बैठ गए, आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आपने तो जमीन प्रज्ञा के जूते चाटने वालों से हम सेक्युलरिज्म सर्टिफिकेट दिखाएंगे कश्मीर में, आप रोशनी एक्ट की सेक्युलरिज्म सिखाएंगे हमको, या आप हिंदू की नस्ल रोशनी तो आपके लोग फंसे हुए उसमें, तो जेल में डालो ना इनको। सलमान निजामी होल्ड ऑन, अभी आपने क्या बोला, आपने बोला साध्वी प्रज्ञा के जूते चाटने वालों से कि हम सेक्युलरिज्म सीखेंगे, बिल्कुल आपको किसी से सेक्युलरिज्म नहीं सीखना चाहिए, सेक्युलरिज्म तो महसूस किया जाता है, एहसास होता है। मैं आपसे पूछता हूं सलमान निजामी, पूरे इत्मीनान से सवाल तो सुनिए निजामी साहब आज आपका जन्मदिन है भैया, सवाल तो सुनिए, इतना आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, मैं तो बहुत इत्मीनान से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पूछूं सवाल या पहले बोलना चाहते हैं 20 सेकंड, पूछिए। सवाल आपसे मेरा यह है, आपने बोला हमको सेक्युलरिज्म किसी से सीखना नहीं है, बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए सेक्युलरिज्म किसी से। छत्री सिंहपुरा में जो कुछ हुआ था सेक्युलरिज्म सीखा गया था, 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ था सेक्युलरिज्म सीखा गया था, आप मुझे बताइए घाटी के अंदर जो कुछ हुआ सेक्युलरिज्म सीखा गया, यह सेक्युलरिज्म था? किसको सेक्युलर मोर्चा कहते हैं आप, मैं बताऊंगा। एक तरफ की आंख बंद करने को और दूसरी तरफ की आंख खुले रखने को सेक्युलरिज्म कहा जाता है? अगर सेक्युलरिज्म की परिभाषा यह है तो भारत को ऐसा सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है? सेक्युलरिज्म क्या होता है? क्या कश्मीर में 70 साल में सेक्युलरिज्म का पालन हुआ है? क्या कश्मीर में पिछले 70 साल में सेक्युलरिज्म का पालन हुआ है? आज आपका जन्मदिन है, अपने खुदा को हाजिर नाजिर मार के अपने दिल पे हाथ रख के बताइए 70 साल में कश्मीर में सेक्युलरिज्म का पालन हुआ है? क्या वहां के नेताओं ने सेक्युलरिज्म का पालन किया है? दिल पे हाथ रख के बोलना सलमान निजामी, आज जन्मदिन है आपका, देखिए जन्मदिन है, यह दिन बहुत बड़ा होता है, मान्यता है कि कई जोनियों में जन्म लेने के बाद इंसान का जन्म मिलता है। बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलो सलमान निजामी, वो होता है कि जब आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं हम उनको अपने दिलों के साथ मानते हैं, उनके साथ गलत हुआ, लेकिन फिर आप बोलते हैं जब कश्मीरी मुसलमान का कत्ल होता है आप सेलिब्रेट मानते हैं, वो सेक्युलरिज्म नहीं होता है। आप अगर कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं, आप कश्मीरी सिखों की बात भी करिए, उनका भी कत्ल हुआ, कश्मीरी मुसलमानों का भी कत्ल हुआ, सब तो पिसे उसमें, आज भी कत्ल हो रहा है, चाहे सैनिक हमारा शहीद हो रहा है वो भी बड़ी खबर बाशिंदा है, बड़ी खबर, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी 74 की ओर है और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की 71 से 72 सीटें हैं, यानी 3 सीटें बीजेपी की ज्यादा, यह बड़ा है 74 में भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु चतुर्वेदी, योर रिएक्शन, सेक्युलरिज्म की परिभाषा सुन ली आपने? मैं एक फैक्ट सामने रख देना चाहता हूं,
ये सेकुलर वर्ड भारत के संविधान में कब आया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन में आपातकाल में पूरा देश को बंद करके। मगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पूरा भारत तो सेकुलर हो गया 1976 में, पर एक राज्य ऐसा था जिसने उस सेकुलर वर्ड को कभी एडॉप्ट नहीं किया, वो था जम्मू कश्मीर। 370 के चलते हुए उसने 42वें संविधान संशोधन को कभी अंगीकार नहीं किया, तो कश्मीर अगस्त 2019 में सेकुलर बना है। इससे पहले तो वो सेकुलर नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है, संवैधानिक सत्य। हमें सेकुलरिज्म की किरण मिल रही है, हिंदू मुसलमान के दंगे जो है कश्मीर में नहीं हुए। सुनिए कोई कश्मीर पाकिस्तान गया उससे क्या हिंदू हिंदू मुसलमान के दंगे की बात करते हैं? हिंदू मुसलमान नहीं हुआ और ना ही कोई कश्मीर पाकिस्तान गया। आपने 370 इसलिए बनाया था कि कश्मीरी ने आप पे भरोसा किया और वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ा, फिर आपने 70 साल के बाद कश्मीरियों के साथ सही नहीं है तरीका बीच में बोलने का। बोलिए सुधांशु, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक सुधांशु बोलिए, तन मिसगर साहब मेरे साथ थ्रू है। जमाने में जाकिर मूसा कहता था ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, और उस पे जिन लोगों के मुंह में दही जमा रहता था, जिन्होंने विरोध नहीं किया, वो सेकुलरिज्म था। जिस जमाने में कहा जाता था तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सेकुलरिज्म था उस जमाने में। यह बात करना, आप सोचिए जब ISIS के झंडे लहराए जाते थे, इस्लामिक स्टेट के झंडे, और उसके बाद जो लोग चुप रहते थे कहते थे वो तो भटके नौजवान है, वो सेकुलरिज्म था। आप बताइए जुमे की नमाजों में भीड़ निकलती थी और अयूब पंडित जैसे किसी भी वफादार सरकारी पुलिस के मुलाजिम की कत्ल कर देती थी, वो सेकुलरिज्म था। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सेकुलरिज्म ना कॉन्स्टिट्यूशनली था, ना पॉलिटिकली था, ना सोशली था। अब जाके कश्मीर का पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वहां के आप राजनीतिक विश्लेषक है, इफ्तिकार मिसगर आपको मेरी आवाज मिल रही है अभी? इफ्तिकार बिल्कुल मिल रही है। इफ्तिकार बिल्कुल मिल रही है, क्या कहना चाहते हैं? मिल रही है। इन नंबर्स पर आप क्या कहना चाहते हैं? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू इफ्तिकार मिसगर। देखिए अमित जी, मैं आपका आभारी हूँ, आधे घंटे के बाद आपको मैं याद आ गया, तो अभी 30 सेकंड कम से कम दे दीजिएगा बात करने जी, के जी, लिए 50 सेकंड। अमित जी, जहां तक आज के इलेक्शंस की बात है, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि बीजेपी ने एक वोट शेयर हासिल करने में कामयाबी हासिल करी, इसमें कोई दोराहा नहीं है। कश्मीर में 3 सीटें या 4 सीटें लेना, इसमें हम यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी यहाँ पे अपने रूट्स दे रही है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। लेकिन जहाँ तक पूरे पूरा सिलसिला अगर आप देखेंगे, माइन्यूटली अगर आप देखेंगे, तो जहाँ आप बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप को आज नई दिशा मिली, तो डेमोक्रेटिक सेटअप किसको आप बोल रहे हैं? जिसको जो चीज एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को भाता है, क्या वही डेमोक्रेसी है? जो चीज एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को आगे ले जाता है, क्या वही खाली नेशनलिस्ट्स है? जो लोग अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इलेक्शन लड़ते हैं, जिन पार्टियों को रिकॉग्नाइज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको गैंग कह के और उनके नाम अपशब्द बता के क्या डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी के साथ जस्टिस होता है? मुझे नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर में आज जम्मू को लेके ठीक है 20 डिस्ट्रिक्टों में इलेक्शन हुआ, 20 डिस्ट्रिक्टों में 17 डिस्ट्रिक्टों में कि क्या गुपकार पार्टियों को गैंग कहना डेमोक्रेसी है? मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप देश के आईन की कसम खाकर लोकतंत्र में अपना विश्वास जताते हैं, फिर कहते हैं कि हम चीन की मदद से अनुच्छेद 370 को रेस्टोर करेंगे। हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, वोट देने से कुछ नहीं होता। ऐसा कहा था ना महबूबा मुफ्ती ने कि ये वोट देने आ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान से बात कीजिए। मिसगर साहब जवाब, ये डेमोक्रेसी है आपकी? ये लोकतंत्र में आपका विश्वास है? ले लीजिए सुशील जी, बोलिए। वर्बल इसको बोलते हैं, वर्बल इमोशनल स्पीच,
लेकिन जो आरएसएस की नीति वर्बल इमोशनल स्पीच चाइना से मदद पाकिस्तान से मदद वर्बल इमोशनल स्पीच है उस आरएसएस की तरफ आपने एक बारी भी उंगली नहीं उठाई। आज की डेट में अगर इसी जम्मू कश्मीर में देखेंगे हम कश्मीरी पंडितों ने कितना बायकॉट किया जम्मू कश्मीर में ये चीज हाईलाइट करने के लिए कि उनको बीजेपी से कोई राहत नहीं मिली, उस चीज को आप हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। आप एक ही मुद्दे पे हैं कि आप जम्मू कश्मीर के कश्मीरियत के खिलाफ बोल रहे हैं। एक आदमी अगर गलत बोल रहा है वही बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओके बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी सुधांशु त्रिवेदी इफ्तिखार मिसकर और मेरे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक मिनट में अगले एक मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। सुधांशु 30 सेकंड मैं याद दिलाना चाहता हूं जिन पार्टियों के सांसदों ने दिल्ली में आके संविधान की प्रतियां फाड़ दी वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या क्या अपशब्द नहीं प्रयोग किए, ये तक बोला गया बोटी बोटी काट डालूंगा और वो बड़े बड़े पार्टियों में पद पाकर बैठ गए, वो डेमोक्रेसी थी या ये डेमोक्रेसी है जिसमें आपको सबको मौका मिला काम करने का? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं डेमोक्रेसी हो या सेकुलरिज्म, अभी तक किसी ने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया कि अगस्त 2019 तक जब तक कश्मीर की विधानसभा अस्तित्व में रही सेकुलर वर्ड क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया कश्मीर की विधानसभा में? मुझे जवाब चाहिए इन सारे नुमाइंदों से बैठकर क्यों नहीं कहेंगे। सुधांशु जी जम्मू कश्मीर की सियासत गवाह है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन गवाह है कि जम्मू कश्मीर ने सेकुलरिज्म पे अपना सारा नीति चलाया है। आज की डेट तक ये एक ही वाहिद जगह है जहां पे आपने कभी हिंदू मुस्लिम सुधांशु देखे होंगे। हम लोग एक दूसरों के पवित्र जगहों को रिस्पेक्ट रखते हैं। जहां हिंदुओं की पूरी कौम को मारकर भगाकर जलाकर खदेड़ दिया गया कश्मीरियों ने नहीं यहां पर आप के पास साथ मेरा हर समय कंफ्लिक्ट रहता है। कश्मीरियों ने नहीं इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हिंदुओं ने तो और अगर हिंदुओं को मारकर इलाका खाली करवा दिया गया नजमू साकिब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कश्मीरी पंडितों को नहीं भगाया, कश्मीरी पंडित कैसे भाग गए वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। ओके 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 सुधांशु 20 सेकंड रिप्लाई सुधांशु। देखिए मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज के इस बदले हुए दौर के इस हकीकत को इनको समझ लेना चाहिए और फिर भी अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो ये इनकी इनकी बुद्धि का फेर है। और जो अभी मैं निजामी साहब बोल रहे थे, अरे भाई कांग्रेस के साथ ये स्थिति हो गई, सारी पार्टियां मिलकर लड़ी, इन्होंने अपने मुंह से कबूल कर लिया। सुधांशु जी क्या हम इसको रेफरेंडम नहीं समझ सकते? सुधांशु जी क्या हम इसको 370 का रेफरेंडम नहीं समझ सकते? आप लोगों का बीजेडी को वोट कर रहे हैं क्या इसको रेफरेंडम नहीं समझ सकते? ओके 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 हुसैन मसूदी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ है। हुसैन मसूदी साहब इसको रेफरेंडम मानते हैं आप? रेफरेंडम मानते हैं तो बीजेपी सबसे बड़ा दल है। बोलिए देखिए बात यह है, रेफरेंडम का जो नारा दिया था ये तो केंद्रीय मंत्रियों ने दिया था, उन्होंने कभी डेवलपमेंट की बात ही नहीं की यहाँ कश्मीर में। वो जब ये इस प्रचार में आ गए हमेशा तो ये चाइना पाकिस्तान के साथ किस डेवलपमेंट की बात कर रहे थे? ये चाइना और पाकिस्तान के साथ फारूक साहब किस डेवलपमेंट की बात कर रहे थे? देखिए शुक्रिया आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मेरे साथ सेंट्रल मिनिस्टर और बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी इस समय लाइव मौजूद है बात करने के लिए अनुराग ठाकुर साहब। अनुराग ठाकुर अभिनंदन आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहला सवाल मेरे साथ थोड़ी देर पहले कुछ सेकंड पहले मेरे साथ हसनैन मसूदी जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कह रहे हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर ने बता दिया कि बीजेपी की हैसियत क्या है, आप इसको कैसे रीड करते हैं? मैं एक ही बात कहूंगा, ये वही लोग हैं जो चुनाव का विरोध करते थे, बायकॉट करने की बात करते थे, जो पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए मजबूर करते थे, जो आतंकवाद का डर पैदा करते थे, जो बंदूक और बारूद की बात करते थे और जो आरोप लगाते थे कि चुनावों में रिगिंग होगी। आज मैं यही कहूंगा, इनकी सब बातें झूठ हुई और जम्मू कश्मीर की जनता की जीत हुई है, लोकतंत्र की जमहूरियत की जीत हुई है, जनतंत्र की जीत हुई है, मोदी जी की सोच की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर ने दुनिया को संदेश दिया है कि हम शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, हम आतंकवाद और अलगाववाद का साथ नहीं चाहते, हम बम और बंदूक के साथ नहीं जाना चाहते, हम अपने बच्चों के हाथों में कलम और उनको अच्छा भविष्य देना चाहते हैं,
हम नए जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहते हैं। इस नई लीडरशिप के माध्यम से नए जम्मू कश्मीर का निर्माण, एक टेररिज्म मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण, एक टूरिज्म फ्रेंडली जम्मू कश्मीर का निर्माण, ये जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा है। ये पैगाम है जम्मू कश्मीर की जनता का कि बम बंदूक से नहीं डरेंगे, बैलेट के साथ जाएंगे। और हजारों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने वोटिंग की, आप रिकॉर्ड मतदान किया है, इसलिए मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को सलाम, जिन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर अब नई दिशा में चला है, पिछला भूलकर अब आगे बढ़ने का काम करने वाला है, पिछला भूलकर अब आगे बढ़ने का काम करने वाला है। लेकिन डीडीसी चुनाव के नतीजों को आप किस तरह से आंकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी, आप भी कैंप करके बैठे रहे, शाहनवाज हुसैन भी कैंप करके वहां बैठे हुए हैं, लेकिन वैसा नतीजा नहीं आया। गुपकार अलायंस ये कह रहा है कि ठेंगा दिख गया बीजेपी को, दैट इज देयर वर्ड्स, आई एम कोटिंग देम। देखिए, हम 75 सीटों पर आगे हैं, हम 75 सीटों पर आगे हैं। और मैं इस बात स्पष्ट कर दूं, जब ये लोग कहते थे कि कश्मीर घाटी में भाजपा को कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलेगा, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं दिखेगा, यहां तक कि तिरंगे झंडे का अपमान ये लोग करते थे, कश्मीर घाटी में तिरंगा झंडा भी फहराया गया, भाजपा का कमल भी खिला, एक नहीं तीन तीन सीटों पर हमने जीत दर्ज की, और साथ ही साथ भाजपा का झंडा भी हर जगह दिखा, भाजपा के कार्यकर्ता लाल चौक से लेकर डल झील तक भी दिखे, और ये संदेश पूरी दुनिया को गया है कि घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और जीत मिली है। जम्मू में कई जिलों में तो, जैसे सांबा जिले में 14 में से 13 सीटें हम जीते, कईयों में 11-11 सीटें हम जीते, कईयों पे सांसदों की पत्नियां लड़ रही थी उनके खिलाफ हम लोग जीते हैं, एक नई लीडरशिप उभर कर आई है। अच्छा, इस चुनावों में किसी दल के जीतने की बात नहीं, इन चुनावों में लोकतंत्र की जीत सबसे बड़ी जीत है, और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। अनुराग ठाकुर, हम सबसे ज्यादा चेयरमैन भाजपा के और भाजपा समर्थकों के बनाएंगे। अनुराग ठाकुर, आप क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, एक लाइन बोली जा रही है, खासतौर पर गुप्तकार अलायंस ये बात को कह रहा है, वो कह रहा है कि 370 के खिलाफ घाटी का मैंडेट आया है, घाटी का मैंडेट 370 के खिलाफ आया है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मिस्टर ठाकुर? देखिए, इनका कहना था अगर 370 35 को हम नहीं मानते, और इन्होंने कहा था कि चुनाव का बहिष्कार करो, जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको पहले दिन ही हरा दिया था चुनावों में पार्टिसिपेट करके, चाहे वो इतने इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि इनकी लीडरशिप से वो खुश नहीं है। दूसरा, जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट करके दिखा दिया कि हम चुनाव चाहते हैं, मोदी जी के साथ विकास चाहते हैं, हम आपके साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। इनका एजेंडा था तिरंगे का अपमान करो, पाकिस्तान से बातचीत करो, चुनाव बंद करो, पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, आतंकवाद की बात करो, गोली की बात करो, चुनाव में डर का माहौल पैदा करो। इनकी सारी सोच को हराने का काम जम्मू कश्मीर की जनता ने किया है, और मुझे लगता है सबसे बड़ा पैगाम है कि अब इनकी बातों से, लेकिन अनुराग जी आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन गुपकार की सीटें 15 है, डर के घरों में 115 है, गुपकार गैंग, गुपकार अलायंस जो, जिसको आप लोगों ने गैंग का नाम दिया, उसकी सीटें 115 आ रही है, जिसमें 7 पार्टियां शामिल है। आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी साइलेंट समर्थन है उसको, नहीं ठीक है, अगर 115 में 22 मिलाएंगे तो फिर तो उनकी सीटें बहुत सारे। देखिए, बहुत सारे दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे वो अलग बात है, लेकिन ये देखिए, इकलौती भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 75 सीटें, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, घाटी में भी सीटें, जम्मू में भी सीटें, और हमारे मैक्सिमम चेयरमैन बनेंगे, डीडीसी मैक्सिमम हमारी बनेगी, हमारे बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट भी जीत रहे हैं, इसलिए हर जगह का अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर, एक दो दिन में आपको जब पिक्चर क्लियर होगी, सबसे ज्यादा चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। क्या आपको लगता है ये अन्य बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि बीजेपी पोस्ट पोल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जानी जाती है, प्री पोल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जानी जाती है, तो पोस्ट पोल मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि आप प्रभारी है जम्मू एंड कश्मीर के, क्या ये जो अन्य है ये बड़ी भूमिका निभाएंगे? 53 प्लस आपके 74 निश्चित तौर पर जो जम्मू कश्मीर में विकास चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे आएंगे जी। बहुत सारे लोगों को जो इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे थे, जहां हमारे उम्मीदवार नहीं थे, और कई जगह पर जो जीतने की क्षमता रखते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन और सहयोग भी मिला है, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर
वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ को बनाने में भी अहम रोल अदा करेंगे, हम चेयरमैन या हमारे सहयोगी वहाँ पर चेयरमैन बने। लेकिन क्या माना जाए, जम्मू में आपको जो उम्मीद थी उतनी उम्मीद भरी सीटें नहीं आई, क्या आपको लगता है वो आप लोगों के लिए एक सेटबैक है जम्मू में जिस नंबर का आप? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जम्मू में भी रहा, बहुत सारी सीटें हम लोगों ने जीती हैं, बहुत सारी जगह पर जब पूरे दल एकजुट होकर लड़ रहे हों उसका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर बहुत शानदार प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा, इस चुनाव में जीत किसी, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि गुपकार को तो आपने एंटी इंडिया पेंट करा, उसके बावजूद जम्मू में अगर उनको समर्थन मिल रहा है तो ये आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी आपकी पार्टी के लिए? अनुराग जी, जम्मू के संदर्भ देखिए, जम्मू रीजन को अगर आप पूरे जम्मू रीजन को अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 10 जिले हैं जी, 10 जिलों की भी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, और किन किन परिस्थितियों में कहां कहां उन्होंने सीटें जीती, जब आप इसका आंकलन करेंगे तो मुझे लगता है आपको उसकी पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी कि वहां पर क्या कारण रहे होंगे। एक गुपकार अलायंस कह रहा है ये सेकुलरिज्म की जीत है, हम सब सेकुलर पार्टी थी, बीजेपी ये कॉम्युनल पार्टी है, ये कॉम्युनलिज्म की हार है, सेकुलरवाद की जीत है, ये संघ की हार है, ये और किसी की हार नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखिए हमने जो करना था वो हमने अचीव कर लिया है, बीजेपी चाहे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही हो लेकिन ताकत उसकी बढ़ नहीं रही है, ये गुपकार अलायंस ने जो आज कहा। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का मूल मंत्र ही एक है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और इसी की राह पर चलकर हमने पिछले 5-6 वर्षों में समाज के हर वर्ग का कल्याण किया है, हर क्षेत्र का विकास किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम विश्वास रखते हैं, राज्यों को साथ में लेकर चले, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर चले, और मोदी जी ने तो संविधान को लेकर ही उसी तरह से सेवा करने का काम किया है और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। यही कहते थे कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, यही कहते थे कि भाजपा सरकार को अपने हाथों में रखकर चलाएगी प्रशासन को, हमने वो नहीं किया। मोदी जी ने पंचायत के चुनाव भी करवाए, बीडीसी के भी करवाए, अब डीडीसी के चुनाव भी करवाए, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ जी, और यही दिखाता है कि हमने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। 70 साल में पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर घाटी में क्योंकि जो पार्टियां 370 का विरोध कर रही थी वो सब गुपकार अलायंस का पार्ट हो गई, कांग्रेस के सैफुद्दीन सोच ने आज भी कहा एक इंटरव्यू के अंदर कि देखिए हम तो सेकुलर के साथ थे और गुपकार एक सेकुलर है, तो यानी साइलेंट सपोर्ट कांग्रेस का भी था, यानी कुल मिलाकर तो 370 नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया, अमित शाह ने 5 अगस्त को हटाया सदन में कहकर, क्या उस पर अब मोहर लग गई है कि अब 370 कोई इशू ही नहीं रहा है उसका हटना, क्योंकि दुनिया की नजर थी अनुराग ठाकुर इस चुनाव के अंदर 370 वर्ल्ड इज कवरिंग दिस इलेक्शन। देखिए 370 को तो इशू बनाने का प्रयास किया गया, सही मायने में जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, ना पाकिस्तान 370 35 को वापस ला सकता है, ना चीन ला सकता है जी, जी। ये भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी, वहां की लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों ने इसको पास किया है, जम्मू कश्मीर को 370-35 से मुक्ति दिलाई है, जम्मू कश्मीर को विकास पर ले जाने का काम किया है, और इसी के कारण ही जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है, नए जम्मू कश्मीर का निर्माण नए भारत के साथ होने वाला है। अनुराग ठाकुर, लीडरशिप नई लीडरशिप तय करेगी। अनुराग, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है कि 370 हटने का विरोध करने वाली पार्टियां जो भी थी, अब क्योंकि उन्होंने इस चुनाव के प्रोसेस में पार्ट ले लिया है तो उनका जो क्लेम था 370 हटाया जाना लोकतंत्र के खिलाफ है, वो क्लेम या फिनिश होता है क्योंकि दे पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, वो मुद्दा समाप्त हो जाता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, ये उसी दिन मैंने अपने पहले उत्तर में कहा था, उसी दिन समाप्त हो गया था जब जनता ने इस चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया था जी, जी, जी। और इनको मजबूर होकर जो बायकॉट करना चाहते थे उनको भाग लेना पड़ा चुनाव में जी। और चुनाव में इन्होंने कहा कि यहाँ पर निष्पक्ष नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव भी हुआ, भारी मतदान भी हुआ, तो समय समय पर जम्मू कश्मीर की जनता ने मोहर लगाई कि हमें 370-35 से मुक्ति चाहिए, हमें शांति और विकास चाहिए, हमें नए जम्मू कश्मीर के साथ नए भारत का निर्माण चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी, न्यूज 18 आर पार में थे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो, और अब वक्त है निष्कर्ष का। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी कि इस देश का लोकतंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसा विश्वास मत हासिल करने के वक्त या हारने के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कहा था। महत्वपूर्ण लोकतंत्र है, महत्वपूर्ण चुनाव है, जीत हार महत्वपूर्ण नहीं होती, चुनाव महत्वपूर्ण होता है और देश का लोकतंत्र महत्वपूर्ण होता है। 370 हटने के बाद 70 साल बाद डीडीसी चुनाव होना जम्मू कश्मीर के लिए मील का पत्थर है और एक नया सवेरा भी है, जिसकी नजर सिर्फ देश की नहीं नजर है, पूरी दुनिया की नजर है। नमस्कार।